बांग्लादेश से सब लुंगी में आ गया हुआ है और हम लोग किलर का पैंट में आए हुए हैं, कुछ अलग लेवल में। मातरम लग रहा है कि भाई 4 से 5 हजार ट्रक होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं आ गया हूँ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, जो कि आज परेड होने वाला है और 0 पॉइंट पे आया हूँ भाई। यहाँ पे ना मतलब बांग्लादेश के भी एयरफोर्स आने, वो बांग्लादेश के भी आर्मी आने वाले हैं, बीएसएफ के जवान, और जो भी हमारे इंडिया के होते हैं वो भी बीएसएफ के जवान और आर्मी, वो लोग आने वाले परेड करने के लिए। तो कुछ इस तरह का व्यू है जैसे कि देख सकते हैं आप। ये हो गया, उस साइड चले जाओगे तो आप हो गया इंडिया, और ये हो गया 0 पॉइंट जो कि इस बीच बॉर्डर पड़ता है भाई बांग्लादेश और इंडिया का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा दोस्त इम्तियाज, मजा आ रहा है? हाँ भाई बढ़िया, मजा आ रहा है ना। अभी परेड हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ परेड किया जाता है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करके बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। सो अभी मैं बांग्लादेश के आसपास के पूरा विजिट करके दिखाऊंगा। ये है भाई परेड का एरिया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जितना पेड़ पौधा आपको दिख रहा है सब बॉर्डर एरिया में है 0 पॉइंट में, और उधर हो गया इंडिया, और इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा, और उधर हो गया भाई बांग्लादेश। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया भाई बांग्लादेश, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, बोर्ड पर लिखा हुआ है भाई। सो अब यहाँ पर परेड के लिए सर सब यहाँ पर रेडी है, जो कि बस 5 से 6 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, और उधर बांग्लादेश के जो बीएसएफ के जवान होते या जो भी होते आर्मी, उन लोग वो भी रेडी है। वो दिख रहा है जो फ्लैग, वो हो गया बांग्लादेश का फ्लैग, और ये है अपना इंडिया का फ्लैग, और कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो ज़्यादा आवाज़ में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सर खड़े हैं तो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी आवाज़ में बना रहा हूँ वीडियो। ये देखो भाई, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे और परेड देखेंगे किस तरह से मनाए जाते हैं भाई। उधर का जो बांग्लादेश के जो जवान है वो अभी रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ढाका, जो राजधानी है अभी उसका, बांग्लादेश का राजधानी है ये, 503 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। सो कुछ इस तरह का है बांग्लादेश का व्यू, और अपना इंडिया का लास्ट छोर, इंडिया बॉर्डर का और बांग्लादेश का बॉर्डर का यहाँ पर कब्र स्थान भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, अभी एक दूसरे के रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ अगर आप आते विजिट करने के लिए तो मंगलवार और शनिवार के आओ, यहाँ पे आपको परेड देखने को मिल सकता है शनिवार और मंगलवार को, बाकी बाद अदर डे आओगे तो आपको नहीं मिलेगा ये सब देखने को। तो ये सब कुछ देख सकते हो व्यू, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अभी तो कम है बट ये सभी फुल रहता है, मेरे को बता रहे हैं सर। मैं पूछा उन सर से तो उन्होंने मेरे को सारा चीज़ बताया, यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी है, और उधर बस वो लगी हुई है बांग्लादेश जाने के लिए। तो ये बांग्लादेश के जवान हैं, ये जो मिट्टी जो हटा रहे हैं जो, और कुछ इस तरह का माहौल है भाई यहाँ पे। अभी कुछ देर में ये स्टार्ट होने वाला, मैं दिखाता हूँ आपको, और आगे भाई इतने ट्रक लगा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं दिखाऊंगा कम से कम 2-3 हज़ार ट्रक होगा भाई, सब ट्रक दिखाऊंगा जो बांग्लादेश जाने वाला है। अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि देख सकते हैं उधर बांग्लादेश से सब लुंगी में आ गया हुआ है, और हम लोग किलर का पॉइंट में आए हुए हैं, कुछ अलग लेवल में आए हुए हैं, और उधर का लोग जो भी आया हुआ है सब भाई लुंगी में आया हुआ है, और मेरे को ऐसा लगता है बांग्लादेश का है ही नहीं, वो सब ट्रक ड्राइवर है भाई, वो लोग का आदमी नहीं है परेड देखने के लिए। हम लोग बस बहुत सारे लोग हैं, देखो भाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, और हमारे जवान उधर है जो कि सर लोग आने वाले इधर, और उसके बाद परेड स्टार्ट होने वाला है। कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है, और वो हो गया भाई बांग्लादेश, 0 लिखा हुआ हमारा दिख रहा है आपको क्लियरली, और यहाँ पे मेरा दोस्त चिल्लाने वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा ना। हाँ भाई, और उधर बोलेगा बांग्लादेश जिंदाबाद, बट हम लोग को नहीं बोलने देना है, इतनी तगड़ी आवाज़ में बोलना है कि वो लोग नहीं बोल पाए। नहीं है
Dalam
अनुमति प्रदान की जाती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फोटो ले, फोटो सब कुछ जाएगा। चलिए चलो 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 भाई, ये देखो भाई परेड खत्म हो गया। आप यहाँ पे सो सब कुछ जा रहे हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। अभी मैं मेन सीमा पर आ गया हूँ और इधर अपना इंडिया का और उधर बांग्लादेश। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर आ गया। अच्छा इधर यहाँ यहाँ भाई आपने देखा कैसा था परेड। और इधर से बांग्लादेश के जो जवान थे वो आए थे और इधर अपना इंडिया के जो जवान थे सर बीएसएफ के और आर्मी के सब थे यहाँ पे। उधर भी बीएसएफ और आर्मी के थे जो कि वो लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। और परेड ख़त्म हो गया जो कि सैटरडे और ट्यूजडे को यहाँ पे होता है। अगर आप आते हो यहाँ पे वेस्ट बंगाल तो आप यहाँ पे इजीली विजिट कर सकते हो। और ये हो गया भाई कुछ इस तरह के, इधर से बांग्लादेश है और ये हो गया इंडिया। सो यहाँ पे बांग्लादेश का फ्लैग था जो कि निकाल दिया गया है और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग था जो निकाल दिया गया। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिस देख सकते हो, तो यहाँ पे स्किप करके आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे और यहीं से हम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो भाई निकल गया यहाँ से, परेड हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये हो गया भाई बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर जो कि कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। भाई बहुत लॉन्ग टाइम तक परेड चला है, ऑलमोस्ट एक घंटा से प्लस चला है भाई। बांग्लादेश का भी ये हम जो बीएसएफ के जवान थे वो भी थे, अपना इंडिया के जो बीएसएफ के जवान थे वो भी थे। और ये देखो भाई क्या व्यू है यार, यहाँ पे कम से कम न भी ज़्यादा तो भाई 4 से 5 हज़ार ट्रक, मेरे को मतलब लग रहा है कि भाई 4 से 5 हज़ार ट्रक होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो ये हो गया भाई, देखो ट्रक ही ट्रक, इधर ट्रक, इधर ट्रक, उस साइड ट्रक, मतलब 3 टाइप ट्रक ही ट्रक है भाई, 3 लाइन है भाई ट्रक की। सो ये सब जितने ट्रक है सब बांग्लादेश जाने वाले हैं। अभी से मेरे को 2 से 3 घंटा सिर्फ ड्राइव करनी है क्योंकि ज़्यादा देर में राइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर अनजान जगह मुझे दिक्कत होने की चांस हो सकता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे को होटल अच्छा मिल जाए वहीं पे स्टे करूँगा और खाऊँगा,
फिर उसके बाद ब्लॉग को समाप्त करूँगा, फिर मिलूँगा कल वाले एपिसोड में, नए से फिर से जर्नी स्टार्ट करूँगा। कौन सी? तो आपको पता ही है, भूटान जाऊँगा मैं, भूटान का वीडियो दिखाऊँगा भाई। और ये देखो भाई, पूरे ट्रक ही ट्रक, जहाँ तक देखो वहाँ तक ट्रक ही ट्रक देखने को मिला होगा आपको। और यहाँ से मेरे को थोड़ी दूर आगे जो चौक दिख रहा है, जहाँ से मैंने टर्न लेकर इधर आया था, वहाँ से मेरे को राइट साइड लेना है, वही सड़क चली जाएगी जयगांव। जयगांव भूटान और इंडिया का बॉर्डर है, जो कि वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर में ही पड़ता है, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर में ही पड़ता है। तो आगे से मैं राइट लेता हूँ, यहीं से राइट लेना, यहीं से राइट। कट गया यार, कम गया फ्यूल, यहाँ पे डलवाना पड़ेगा फ्यूल। ये देखो भाई, होप क्या लिखा हुआ है, होप हेल कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, ये हॉस्पिटल है। और ये जियो का पेट्रोल पंप है भाई, देखो जियो का पेट्रोल पंप भाई। इधर ना तमिलनाडु की गाड़ी, झारखंड की गाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आता है यार ट्रक सब जितना है। सो तमिलनाडु का तो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ भाई। और ये जियो का देखता हूँ क्या रेट है यहाँ पे। 100 100 100 लीटर।